रीवा में एक लड़के और लड़की के बीच का प्रेम प्रसंग परिजनों को नागवार गुजरा। जब यह जोड़ा उन्हें साथ में मिला तो उनकी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सामने आया है। रीवा में प्रेम प्रसंग के चक्कर में लड़की के भाई द्वारा प्रेमी जोड़े को सरेराह पीट दिया। यह मामला सिविल लाइन थाने के पास ही घटित हुआ, जो काफी देर तक चलता रहा। गुरुवार की रात करीब 10 बजे सिविल लाइन थाने के पास ही कलेक्टर कार्यालय के सामने हंगामे की स्थिति बन गई, जब लड़की के भाई ने प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की दोनों रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। लड़की मुस्लिम समाज से है और लड़का चौरसिया समाज से, जिसके चलते लड़की के परिजनों में नाराजगी है। गुरुवार दोपहर दोनों घर से लापता हो गए थे। परिजन दोनों की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान रात में वह दोनों एक बाइक पर मिल गए और जैसे ही वह सामने दिखे, लड़की के भाई और प्रेमी के बीच विवाद शुरू हो गया और लड़की के भाई ने प्रेमी की पिटाई कर दी, जिसके बाद यह प्रेमी जोड़ा सिविल लाइन थाने पहुंचा। पूरे मामले का वीडियो सामने आया है। हालांकि लड़की का कहना है कि वो बालिग है, लेकिन लड़की के परिजनों का कहना है कि लड़की नाबालिग है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये कल दिनांगपुर थाना में सूचना मिली थी कि दो एक युवक की युवती भाग के जा रहे हैं, जिसको उनके भाई ने, युवती के भाई ने उसको बस स्टैंड से पकड़ा था, बस से उतारा, फिर उसके बाद विवाद होने लगा, भाई द्वारा झगड़ा किया जाने लगा युवक युवती के साथ, और फिर भाई ही उनको थाने लेके आया था। और इसके बाद फिर उन दोनों को समझाया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हम साथ में रहना चाहते हैं, हम बालिग हैं, जो युवक और युवती थे। और उसके बाद फिर उनके परिजनों को बुलाया गया, और चूंकि युवती जाने के लिए उस टाइम पे तैयार नहीं थी तो उसको वन स्टॉप सेंटर भी रखवाया गया था, और लड़के को उसके परिजनों को सपोर्ट किया गया है, साथ ही युवती को वन स्टॉप सेंटर रखवाया गया।